अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको नज़रे बद यानी बुरी नज़र से बचने के लिए एक आयत बताऊंगी। अगर आप इस आयत को पढ़ लेंगे और पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी दोबारा नज़र नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा कि बुरी नज़र पहाड़ तोड़ देती है। हमारे दरमियान बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी वजह से हमसे हसद करते हैं और हमारी कामयाबी और खुशियों को बुरी नज़र लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं और मुश्किलात के बादल छा जाते हैं। फ्रेंड्स, बुरी नज़र और जादू से बचना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला का कलाम बरहक है और हमें हर तरह की बुरी नज़र और जादू से बचाता है। इसलिए ख़ुद को महफूज रखने के लिए आप हमारे बताए गए तरीकों पर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, बुरी नज़र से बचने के लिए मैं आपको एक अमल बता रही हूँ, आपने इस अमल को ज़रूर करना है। फ्रेंड्स, ये आयत जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, आपने इस आयत को अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर डेली पढ़ना है। और फिर इस आयत को पढ़ने के बाद आपने सूरत बकरा का आखिरी रुकू पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें तो पढ़ने के बाद जिस पर भी बुरी नज़र लगी है तो आपने उस पर फूंक मारनी है। इस अमल को आपने 21 दिन तक करना है। फ्रेंड्स, अगर 21 दिन से पहले ही आपको शिफा मिल जाए फिर भी आपने इस अमल को नहीं छोड़ना, आपने 21 दिन पूरे करने हैं। इंशाल्लाह जल 21 दिन ये अमल करने से आपको सारी ज़िंदगी दोबारा बुरी नज़र नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो पे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।